हेलो गाइस, तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जो अभी तक आपके लिए देखी होगी शॉर्ट ट्रिक की, केवल रीजनिंग की वीडियोस। आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक की मैथ्स की वीडियो भी लेके आई हूँ। तो वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था 12 बजे कुछ नया आएगा, तो ये है आपके लिए एक नई चीज। अब मैं आपके लिए डेली दोपहर में 12 बजे एक मैथ्स की भी शॉर्ट वीडियो डाला करूंगी, जिसमें डेली आपका वही तरीका है, 1 मिनट में डेली आपके लिए 1 मिनट क्लास लिया करूंगी। 1 मिनट में मैं आपको एक टॉपिक समझाया करूंगा रेगुलर में। जैसे आज देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की इस टॉपिक को। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और आप चाहेंगे ऐसा नहीं कंटिन्यू करना ना करें तो नहीं करेंगे। ठीक है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा इस नए तरीके के कंसेप्ट को। मात्र 2 मिनट लूंगी आपका, 2 मिनट में आपको एक नया टॉपिक सिखा दूंगी कम से कम समय में। हमारा मोटिव ये है कि आपको ज्यादा समय मिले रिवाइज करने का, कम समय लगे पढ़ने में। तो उस कम समय के लिए हम लोग आपके लिए ये तरीका अपना के लेके आए, जिससे कि आप लोग कम से कम समय में ज्यादा आउटपुट दे सके, कम से कम समय में। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग से निवेदन है। अब देखिए सवाल को देखते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गी तथा कुछ गायें हैं। ये वो सवाल है जिसमें होगा आपके पास 2 पैर वाला जानवर और होगा आपका 1 पैर वाला जानवर, 2 पैर वाला जानवर सॉरी, और 4 पैर वाला जानवर सॉरी। ठीक है, यदि इन सब के कुल 90 सिर है, कितने सिर है, 90 सिर है और 224 पैर है, तो गायें कितनी है। ये बहुत आसान सवाल है और मैक्सिमम एग्जाम में आने वाला सवाल है। आपसे बहुत बार पूछा गया होगा कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है आपके इसमें 2 पैर वाले जानवर दे रखे होंगे और एक 4 पैर वाले जानवर को। ठीक है, सवाल कुछ प्रकार से होगा और पूछा कुछ जाएगा। अब देखो यहाँ पूछा क्या गया, गाय को पूछा गया, मतलब 4 पैर वाला जानवर है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर को लिखेंगे, सर कितने, 90। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का दिया हुआ है उल्टा, तो 2 पैर वाले जानवर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2। 4 का पूछा था इसलिए हमने 2 पैर वाले जानवरों से मल्टीप्लाई किया, 2 पैर से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 आ गया। कितना आया, 180 आ गया। अब क्या करेंगे, जो ज्यादा हो 224 और 180 में, दो जो भी ज्यादा हो उससे माइनस कर देंगे। तो 240, 224 में से माइनस कीजिए, 12 और 4 कितना आ गया, 44। तो आप सब समझेंगे 44 इसका सही जवाब है, पर नहीं, ये आंसर नहीं है। क्या करेंगे, 44 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 44 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22। ये आपका सही जवाब है। मतलब क्या हुआ, गाय की कुल संख्या कितनी हो गई, 22 गाय की कुल संख्या हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसी सवाल है पूछ लेता कि मुर्गों की कितनी संख्या है, मुर्गों की संख्या पूछ ले, तो क्या हम क्या करते हैं, जैसा भी मैंने बताया 90 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 से करेंगे। अगर 4 पैर वाला पूछता है तो 2 पैर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 पैर वाला पूछता है, मुर्गे पूछ रहा है, तो 4 पैर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 4 36, 360। इसमें और इनमें जो भी ज्यादा हो उसको माइनस कर देंगे, 360 ज्यादा है, इसमें से 224 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 10 4 6 और आपका 3 5 में 2 गए और 1 136। तो 136 आपका आंसर नहीं होगा, सेम वही 136 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, 2 6 12, 36, ये आपका सही जवाब है। मतलब गाय इतनी है और मुर्गे इतने हैं। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, दिखा आपको, सॉरी आपको दिखाना हो तो, क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 जो भी चीज ज्यादा थी उसको माइनस कर दिया हमने, इससे जो ज्यादा हो, चाहे 360 ज्यादा था, 360 को माइनस किया, 136 आया, 136 का वही किया, जैसे इसमें आधा किया था इसमें आधा किया, 36 आपका सही आंसर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते क्या सही है, 68 का प्लस करेंगे 6, इसमें 8 आएगा बेटा, 2 6 12, 2 2 8 16, 68 आएगा, इसको ऐड कीजिए, 8 9 10, 6 7 8 9, 90, देखो 90 ये है। तो इसके मतलब ये और ये मिला के कितने हो जाएगा, 90। इससे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा आंसर है वो सही है। तो मतलब 22 गाय हो गई और 68 मुर्गे हो गए, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सभी को,
आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आपने देखा भी होगा और देखने को मिलता भी है। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके काम आएगी, इस प्रकार की वीडियो आपके काम आ सकती हैं, तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको लगता है ये आपके काम आएगी तो मैं ऐसी वीडियो रेगुलर बनाए करूंगी आपके लिए, जिससे कि आपको फायदा हो और कम समय में आप ज्यादा चीजें सीख पाए। तो अगर आप लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिएगा तुरंत। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर, और कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके बेनिफिट है या नहीं है। अगर आपको बेनिफिट लगेगा तो इस प्रकार की वीडियो हम और भी लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।